Assalamualaikum guys, welcome back to my channel and my vlog is day 2. कल तो हम ऐसे सो गए थे, पता ही नहीं चला कहाँ गए और कहाँ सोए, इतनी थकी हुई थी क्योंकि मैं तो पैर में नहीं सोई थी। तो आज मैं 10 बजे उठ गई थी और मैंने वीडियो पोस्ट आज नहीं करी थी जल्दी, तो इसलिए मैं उठ गई थी। भागते दौड़ते मैंने अपनी वीडियो एडिट करी और पोस्ट करी। अच्छा जी, तो उठी तो मम्मा ने कपड़े धोए थे सारे, यार हमारी मम्मा ने कपड़े धोए थे, फिर मैंने उनकी हेल्प करी कि मैंने डाल दिए, फिर मम्मा ने नाश्ता बनाया तो हमने नाश्ता करा। अभी मैं दिखाती हूँ कपड़े आपको जी, जो जो तरह के हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। ये हमारी मम्मी ने बनाया, हमारी मम्मी ने बनाया, मेरे भाई ने बनाया, मेरी मम्मी ने नहीं बनाया, मेरी मम्मी ने ही बनाया। तो जी यहाँ पे हम लोग नाश्ता करते हुए और चारों एक साथ हम लोग नाश्ता कर रहे हैं इतने दिनों बाद। ये ईद के दौरान ही होते हैं और छुट्टियों के दौरान होते हैं जब हम लोग नाश्ता कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। और ये मेरे भाई की शर्टें हैं जो कि वो लेकर आए थे अपनी ईद के लिए, तीन लेकर आए थे, एक तो उन्होंने पहन ली थी और ये दो हैं। देखें ज़रा हमारी मामा ने कितने सारे सुबह से उठ के कपड़े धो दिए और धूप देखें कितने कड़ाके की पड़ रही है और पौने एक हो रहा था जब हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करा। और यहाँ पर साफ़ करके रखी और अब मैं यहाँ से झाड़ू लगा के घर साफ करके फिर आप लोग। जी मैं यहाँ पे देख रही थी अपने रिव्यूज देख रही थी यार, जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो। उसके बाद जी मैं भागी आइसक्रीम लेने के लिए क्योंकि आइसक्रीम वाला आया था लेकिन बदकिस्मत लेकिन वो भाग गया और मुझे नहीं मिला, मेरा मोहिमा हो गया गाइस। सोचा था ईद के तीसरे दिन व्लॉग डाल दूंगी लेकिन वो भी नहीं डाल पाई बदकिस्मती से, क्योंकि वो मैंने एंड्रॉइड में बनाया था वो भी डालूंगी आज ही के दिन चौथे दिन, और आज ही दूसरे दिन का भी व्लॉग आ जाएगा आप लोगों के सामने। और अब मैं भागी वापस से, भाई आ गया, उसको आइसक्रीम लेने के लिए भेजा था मैंने और मेरा बहुत ज़्यादा दिन चला था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, रोजे गुजर चुके हैं और यहाँ पे भाई साहब आ गए हैं आइसक्रीम लेके और यहाँ पे मैंने उतार ली अपनी आइसक्रीम, बहुत मज़े की। तो भाई आइसक्रीम तो मेरी थी, भाई की थी और भाई की थी और मम्मा का था जूस, लेकिन मैंने कहा भाई सब एक एक बाइट ट्राई करवाओ अपनी अपनी, बड़ा मज़ा आता है ना ऐसे करके। लोग ना ऐसे ही करते हैं एक दूसरे की आइसक्रीम खा जाते हैं, ये फीस बड़ी मज़े की होती है। लेकिन मैं मंगाना भूल गई थी, मैंने कौन मंगा ली और मेरा मोह में हो गया, भाई ने चॉकबार मंगाई तो मैंने वो भी ट्राई की, वो अच्छी नहीं लगी थी मुझे, फीस तो अच्छी लग रही थी और जो मेरी थी ना कौन वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद नहीं। वैसे ना एक दूसरे दिन तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी तो मैंने कहा क्यों ना आज यही वीडियो बना लें, कुछ खा लें, कुछ पी लें अच्छा अच्छा। तो उसके बाद चीटोस खाई, फिर मैंने अपने भाई साहब को पैसे दिए, मैंने कहा यार जाओ बिरयानी लेकर आओ क्योंकि मम्मा ने कहा कुछ नहीं बनाओ छोड़ो अपन चार ही तो है तो बाहर से मंगा लेते हैं। फिर हमने बिरयानी वगैरह मंगाई और फिर वो खाई और चिकन की बिरयानी तो दम लग रही थी। ऐसे मुझे पर्सनली ना चिकन की बिरयानी नहीं पसंद है लेकिन इसमें एक आलू डलवा लिया था भाई ने तो मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने कहा तुम आलू छोड़ दो तुम चिकन वगैरह खा लो मैं खा लूँगी और तो मुझे अच्छी लगने लगी, फिर मैंने खा लिया। और यहाँ पे मैं पेज फाड़ रही थी क्योंकि आज जुमेरात का दिन था तो फिर मैंने कहा हलवा ही बांटेंगे तो मैंने पेज फाड़े और यहाँ पे अगरबत्ती जलाई क्योंकि नियाज लगानी थी मम्मा ने और पाक की। फिर मैं गई अपने गेट पे और मैंने देखा बच्चे सामने झूला झूल रहे हैं और ठेले खड़े हैं, कितना प्यारा लग रहा है, यही तो ईद की असल खुशियाँ होती हैं। तो फिर मैंने वो वीडियो बना ली। तो भाई मैं देख रही थी चांद और चांद बड़ा ही कोई खूबसूरत लग रहा था, शायद आप लोगों को नज़र आ रहा हो ठीक तरीके से। और यहाँ ये थी मेरी वीडियो आज की क्योंकि 4 मिनट से ज़्यादा। इंशाल्लाह कल का व्लॉग अच्छा होगा क्योंकि कल मेरी खालाएँ आएंगी और हम लोग अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे। काम करने वाले बंदे ना तो किचन की तरफ रुख नहीं हो रहा एक दो दिन से, तो दिल नहीं लग रहा, दिल बड़ा उदास हो रहा है। ईद की इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतनी एक्साइटमेंट होती है, ईद आ जाए जब ईद आ जाती है तो मुझे बोरियत होने लगती है। तो गाइस ईद के जो दूसरा दिन था ना मैंने ये खाई बोटियाँ अपने मामों से मंगा के, लेकिन और मैं इतनी जल्दी सोई ना 9:30 बजे कि मैं कभी नहीं सोई हूँ अपनी ज़िंदगी में इतनी जल्दी, और मैं सो गई, मुझे यकीन ही नहीं आया था अपने ऊपर। तो जी ये थी हमारी ईद की सेकेंड डे की लुक जो कि मैंने शॉर्ट पे डाल दी थी और मैंने किसी दिन तैयार नहीं हुआ था बिल्कुल भी, और मैंने बल्कि फर्स्ट डे ही शूट कर लिया था। और इस सूट की डिटेल ये है, ये मैंने खुद लगाया हाथ से ना सब कुछ इसके ऊपर, ये मैं लगा रही थी चांद रात को भी और रोज़ों में बुला रही थी, मेरी मम्मा बोल रही थी यार तुम्हारा रोज़ा है मत लगाओ लेकिन फिर भी मैं लगाई जा रही थी। खैर फिर हमने तीसरे दिन ये मैगनेट करा गोश्त अपना और फिर हमने रख दिया ताकि हम लोग बना सकें टिक्का बोटी, लेकिन हमारा हो गया मोए मोए। आप लोगों ने जैसे कि देखा हमने चिकन मैगनेट करके मैगनेट, अब इस पर भी लोग तरह से करेंगे वो करके रख दिया हमने, मसाला मिक्स करके रख दिया उसके अंदर। मेरी हालत वाकई में बहुत बुरी हो रही है, बहुत बुरी, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह कल, आज बहुत ज़्यादा काम था ना, मैं मासी बनी थी तो इसलिए मैं आज कोई चेंज वगैरह नहीं किया ना अपने पर ध्यान दिया, इंशाल्लाह कल मैं बहुत अच्छी लगूंगी क्योंकि साफ सुथरी होंगी भी और आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। फिलहाल भाइयों को उठाते हैं, बोलते हैं भाई जो खिलाना पिलाना खिला दो हमें, बस बहुत हो गई है। गाइस ये अपनी रमज़ान वाली ब्लॉगिंग की जगह क्योंकि गर्मी आ गई, मेरी फैमिली बाहर सो रही है। एक तो ये लोग मुझे आसरा दे के ना खुश हो जाते हैं, भाई उठो, वैसे इतनी प्यारी हवा चल रही किसको नींद नहीं आई यार, उठ जाओ। मम्मी भूख लग रही है आपको है? तो गाइस यहाँ पे हमने जो है ना अपने क्या रख लिए, ब्लॉक्स रख लिए, अब हम इससे बनाएंगे अपना पता नहीं क्या,
आप लोग देख रहे होंगे कि धुआं हो रहा है, हमने छेड़े जलाया था, छेने आई थिंक सो। तो गाइज हमने अपने मास्टर शेफ को उठाया जो कि बहुत ही ज़्यादा घरी नींद में सो रहा था क्योंकि ये नाइट करके आए थे हमारे भाई साहब। इन्हीं का आइडिया था कि हम बारबेक्यू करेंगे, लेकिन यार हमारा जो है ना इतनी मेहनत करी हमने, इतनी मेहनत करी और ये देखें ब्लॉक लगाए, कोयला बनाया और सारी चीज़ें करी, धुआं करा कि हम लोग सुकून से बैठ सकें, सब कुछ कर सकें, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे काम सही हो जाएं क्योंकि हम लोग उसमें कचरी पाउडर लगाना बिल्कुल ही ज़्यादा भूल गए थे। फिर मैंने यहाँ से सीके उठा के दी इन लोगों को और मैं आने जाने में ही पूरी हो गई और हमें इतनी तेज़ कोई भूख लग रही थी ना, हमने खाना भी नहीं खाया था। खैर खाना तो बना हुआ था लेकिन हमारी अपने फिलोसफियाँ थी कि नहीं हमने खाना है। फिर मैंने माचिस वगैरह दी इन लोगों ने, फिर मुझे अंदर भेजा और फिर बोला कि जाओ लेकर आओ माचिस या लाइटर वगैरह। फिर मैं लेकर आई, फिर मैं अंदर आई, फिर मैं घी की बोतल घी निकाल के कटोरी में और ये रुई का ये बना के लेके गई मैंने, ताकि इससे लगाएंगे ऊपर तो हमारा तिक्का बनेगा। लेकिन मैं फिर भी फेल हो गई, ये लोग अब बोटियाँ चढ़ा रहे हैं और हमें कोई इतनी चाव थी ना खाने की, लेकिन जब पहली सी उतरी ना तो हमारा तो हो गया मोए 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 मोए। तो भाई बस हमने फिर उसको उठा के रखा, तीन चार हमने कोई सीखे लगाई होंगी लेकिन फिर भी वो कच्चा ही था और कच्चा गोश्त खाने से बीमार होने से बेहतर है कि हम लोगों ने अपनी बिरयानी निकाली, अपनी चिप्स निकाली और खाया और लगा शुक्र अदा किया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।